बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन ये घटना बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत बेरहमी से हुई है। मैं आप सबको इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप सब मदद करें। दोस्तों, आरती को अंतिम विदाई देने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी आरती को देखकर रोक नहीं पाए अपना आंसू। कहा, आरती के साथ ही भगवान ऐसा क्यों करते हैं। जी हां, आपको बताया दोस्तों, सांसद जो मनोज तिवारी हैं, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, जो कि दिल्ली से हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के ये बहुत बड़े नेता अब आरती को, जैसे ही उनको पता चला आरती अब नहीं रही, तो वो आरती को तुरंत ही अंतिम विदाई देने के लिए पहुँच गए। क्योंकि आखिरकार जो मनोज तिवारी हैं वो बिलोंग तो यूपी बिहार से ही करते हैं और भोजपुरी सिनेमा में बहुत बड़ा इनका नाम भी रहा है। आप सभी जानते होंगे कि जो मनोज तिवारी हैं वो भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर और एक्टर भी हैं। अब जैसे ही इनको आरती की ये खबर मिली है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही आरती को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँच जाते हैं आरती के घर पर। अब जैसे ही सभी लोग देखते हैं मनोज तिवारी को, तो वो लोग भी आरती को देखकर रोने लग जाते हैं और मनोज तिवारी से सारी बातें बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है आरती के साथ और किस तरह से जो आरती है वो तड़प तड़प कर इस दुनिया को छोड़ देती है। जिसकी वजह से दोस्तों, आपको बता दें, मनोज तिवारी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो भी फूट फूट कर रोने लग गए। मनोज तिवारी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी इस दौरान नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों साफ है कि आरती के जाने से मनोज तिवारी भी अपने आप को रोने से रोक नहीं पाए। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।